हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, कोई भी अल्केन का कंपाउंड दिया जाता है और उसको बोला गया LPAC नेमिंग करो, तो सबसे पहला रूल क्या है, LPAC नेमिंग करते वक्त हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर हमने अल्केन के कंपाउंड लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी कंपाउंड में, यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारे अल्केन के कंपाउंड हो गए। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए। अगर आप इस एग्जांपल में देखते हो, ठीक है, इस कंपाउंड को देखते हो, तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, और ये कार्बन स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, सीधी चेन है कार्बन एटम की। तो अगर इस तरीके से आपको दिख जाए कार्बन एटम है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो, तो वही होती है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर यही है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 कार्बन है, तो अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन। ओके, इस कंपाउंड का नेम क्या है, पेंटेन। देन नेक्स्ट सीधा सेकेंड कंपाउंड, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, बट यहाँ पर देखिए कार्बन किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पर 2 कार्बन है, फिर एक नीचे, फिर एक सामने, फिर एक नीचे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कैसे भी अरेंज हो, ठीक है, आपको देखना है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी चेन कौन सी है, ठीक है, और वो कार्बन एक सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कार्बन अरेंजेड सीक्वेंस में है, ठीक है, इस तरीके सीक्वेंस में आ रहा है, तो यही होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग दे देंगे, 1, this is 2nd, 3rd, this is 4th कार्बन एंड दिस इज 5th कार्बन, तो यहाँ पर भी 5 कार्बन है, तो अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो, तो यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है, ब्रांच के फॉर्म में ये कंपाउंड दिया गया है, तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कार्बन दिख रही है, यहाँ पर कार्बन की लंबी चेन दिख रही है, हमें सबसे पहले से काउंट करके चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7 कार्बन की चेन, ठीक है, ये वाली जो चेन है 7 कार्बन की चेन है। देन नेक्स्ट हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले चेन को भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में अरेंज है, ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज है। सो 1, 2, 3, 4, 5, ये तो है 5 कार्बन की चेन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ से ये वाली चेन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी है 5 कार्बन की चेन, ठीक है, मतलब ये वाली जो चेन है ये 7 कार्बन की चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम, ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 7 कार्बन। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा मेन चेन, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है इसे हम मेन चेन बोलते हैं, ठीक है, दिस इज मेन चेन। ओके, और मेन चेन के बाहर कोई भी ग्रुप दिखता है तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट जब दिखे आपको, तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करोगे। ओके, उसके बाद मेन चेन में जितने कार्बन होंगे उसके लिए आप अल्केन लिखोगे। देन नेक्स्ट सी द 4th एग्जांपल। सो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे देखते हैं, ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, ये तो 4 कार्बन की चेन दिख रही है, वेयरएज अगर हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की चेन दिख रही है। ओके, वेयरएज अगर आप यहाँ से जाते हो, ठीक है, ये वाली चेन को देखते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7 कार्बन की चेन। ओके, आप इस तरीके से नहीं जा सकते, 1, 2, 3, 4, फिर इसको 5 दो, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नंबरिंग नहीं बोलते हम इसे। ओके, सीक्वेंस में जाना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर है 7 कार्बन की चेन, तो यही होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं जा सकते, पहले आप इस तरीके से जाओ, 1, 2, 3, 4, फिर इसको 5 दो, फिर 6, 7, 8, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आपको कार्बन को देखना है किस तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में अरेंज है, वही होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर ये कार्बन सीक्वेंस में अरेंज है और ये लंबी चेन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन है। ऑलराइट, तो ये होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो ये मेन चेन हो जाएगी और ये क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सी द 5th एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए कौन सी होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये तो 3 कार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है, आप देखिए कार्बन सीक्वेंस में अरेंज है क्या, यहाँ से देखिए इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज है कार्बन,
ठीक है, तो ये वाली जो चेन है ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन. ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है यहाँ पर, ठीक है. या फिर आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके. इस तरीके से जाओगे तो भी आपको 8 कार्बन की चेन ही मिलेगी, या फिर इस तरीके से जाओगे तो भी आपको 8 कार्बन की चेन मिलेगी. और यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 1 2. ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो आप. 6 एग्जाम्पल में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले चेन को देखते हैं तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये है 6 कार्बन की चेन. वेयर एज अगर हम ये वाले चेन को देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन की चेन है, छोटी चेन है. देन नेक्स्ट ये वाले चेन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी है 6 कार्बन की चेन. ओके, अगर हम इस वाले चेन को देखें, 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की चेन है. तो यहाँ पर हमें दो तरीके से 6 कार्बन की चेन दिख रही है, एक तो ये वाली चेन, ओके, और ये वाली. तो दोनों तरह से हमें 6 कार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है. तो दोनों में से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो, ठीक है. तो मैं इसे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है. अगर आपको ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है तो आप इसे कर सकते हो, IUPAC नेम आपको सेम ही मिलेगा. ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, और ये रहा मेन चेन. ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अल्केन कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो. अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.